भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह ने कोरोना से तो जंग जीत ली, मगर उनका क्वारंटाइन समय खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। शाह काफी लंबे से क्वारंटाइन में रह रहे हैं और उनका ये समय पिछले साल आईपीएल शुरू होने से पहले शुरू हुआ था और अब सितंबर से पहले इंग्लैंड में खत्म हो सकता है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने और मेजबान के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना होगी। शाह भारतीय टीम का अहम हिस्सा है, वो 24 मई तक इंग्लैंड जाने वाली भारतीय टीम से मुंबई में जुड़ जाएंगे। इतने लंबे समय तक एक्टिव रहने के बावजूद भारतीय टीम और आईपीएल में नियमित न होने पर 36 साल के शाह ने अपने दिल की बात कही। वहीं एक बातचीत में बात करते हुए शाह ने नियमित रूप से मैच ना मिलने पर कहा कि सबसे पहले तो जब एमएस धोनी टीम में थे तो वो टीम में नियमित नहीं थे, वो नहीं खेले। 2014 के आखिरी से 2018 के बीच वो खेले, इसके बाद वो चोटिल हो गए थे। ऐसे में दिनेश कार्तिक, पार्थिव पटेल और ऋषभ पंत भारत के लिए खेले। पंत अपनी क्षमता के दम पर अपनी जगह पक्की करने में सफल रहे, उन्होंने मौके को भुनाया, अब वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शाह ने 6 फरवरी 2010 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा मैच जनवरी 2012 में खेला और फिर 9 दिसंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का तीसरा मैच खेला था। इसके बाद ही शाह को टेस्ट क्रिकेट में मौके मिलने लगे। शाह से जब पूछा गया कि उनकी क्षमता के लिए खिलाड़ियों के लिए निराशाजनक नहीं है, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि हर खिलाड़ी को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, चोट कभी भी लग सकती है। वहीं भुवनेश्वर कुमार का ही उदाहरण ले लो, चोटिल होने के पहले वो भारत के लिए सभी फॉर्मेट में खेले, लेकिन अब चोट ने उनके खेल को प्रभावित हुआ। ये सब खेल का हिस्सा है। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि टीम मैनेजमेंट ने शाह को कहा है कि इंग्लैंड दौरे पर वो पंत के लिए बैकअप होंगे। इस पर सफाई देते हुए शाह ने कहा कि टीम मैनेजमेंट के साथ उनकी ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। ऐसा तब भी नहीं हुआ जब धोनी थे, उनके जाने के बाद भी नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। जय हिंद।